हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीजें आमिर खान ने अपनी फिल्म के बारे में बताई है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए जानने के लिए। पहली चीज जो कल आई थी, मेकिंग ऑफ शिप, यानी कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के शिप बनने में कितना वक्त लगा। 1 साल पूरे खर्च हुए और काफी बड़ा मैन पावर खर्च हुआ, उसके डिजाइन में वक्त लगा, बहुत सारी चीजों में। 2016 में काम करना स्टार्ट हुआ शिप पे, जो 2017 में जाके पूरा हुआ था। अब ये 3 मिनट 50 सेकंड के इस छोटे से वीडियो में ये दिया है कि मेकिंग ऑफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान चैप्टर 2 शूटिंग ऑन द शिप, यानी कि जहाज पे शूट करना कितना डिफिकल्ट था एक्टर्स के लिए, वो बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। वो डिफिकल्ट चीज मैं बताता हूँ किस लिए। वो डिफिकल्ट चीज इसलिए क्योंकि आमिर खान खुद कह रहे इस वीडियो में कि जहाज पे पानी था, राइट, और पानी के ऊपर वो बहुत पिसल रहे थे। वो ही नहीं, जितने और एक्टर्स थे वो इस जहाज पर पिसल रहे थे जो बनाई गई थी डेक पे, ठीक है। और वो इतना ज्यादा हैवी था उस जहाज पे कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म करना, एक्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। और कहा गया है कि वो एक नहीं बल्कि दो दो जहाज थी, और कई सारी और मशीन्स लगी थी ऊपर नीचे आगे पीछे, क्रेन्स वगैरह, ताकि वो पानी प्रॉपर आ जा सके, बहुत सारी चीजें और थी। और यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन, आप सभी को पता है अमिताभ बच्चन के बारे में यही कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन हैवी कॉस्ट्यूम पहनने के बावजूद एक अच्छे खासे परफॉर्म करते नजर आए, और बहुत ही डिफिकल्ट उनका रोल था। और जितने भी सीन्स मुझे दिखे हैं ये सेकंड में, और यहाँ पे आमिर खान ने साफ साफ कहा कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। और कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है, जो डाइवर होते हैं गोताखोर, वो पानी जो शिप के बाजू बाजू में पानी था वहां पर थे, ताकि कोई उतने, क्योंकि शिप बहुत बड़ी थी, राइट, वहां से कोई गिर जाए तो जान भी जा सकती है, डूब के मर भी सकता है, इतना पानी था। तो आमिर खान ने वो सब चीजों के बारे में बताया। और ये शिप का जो बनावट है ना यार, ये कमाल की है। और प्रॉपर, यानी कि इतना मुझे अब समझ में आ चुका है इस शिप को बनाने का मकसद, कि यहाँ पर VFX कम से कम यूज हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक, यानी जिसे हम कहते हैं ना रियलिस्टिक शॉट, उसे बताने की कोशिश की गई है। और आमिर खान एक वक्त पर यहाँ पे बताया गया कि आमिर खान पानी में डूब जाते हैं, उसके बाद मुंह में पानी शायद भर लेते हैं, कुछ ऐसा सांस लेने लगता है, जो गलत है, जो आई थिंक अलाउड नहीं है। और बाद में गोताखोर ने बताया कि भैया आप ऐसा मत करिए, ठीक है। यानी कि पूरे स्टार कास्ट के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी गई थी, एम्बुलेंस टाइम पे रखी गई थी, पेट्रोलिंग हो रही थी पानी में, हर जगह हर चीजें थी, ताकि ये जो शॉट्स है वो अच्छी तरह से शूट हो सके, और जहां तक किसी को कुछ अगर चोट वोट लग जाए तो उसको भी फटाफट उसका इलाज हो सके। तो मेरा ऐसा मानना है, ये जो फिल्म है आपके सामने, इसको फुल स्क्रीन मार देता हूँ, ये कमाल होने वाली है। और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आप ये अब यकीन से आप मतलब समझ लीजिएगा, ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपके पूरे पैसे वसूल होंगे। और ये जो सेकंड वीडियो है शूटिंग ऑन द शिप्स, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, और इन सभी एक्टर्स ने मेरे हिसाब से कम साल भर इस फिल्म पर काम किया है। और जितना ही आमिर खान के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए डिफिकल्ट था, उतना ही कैटरीना कैफ के लिए और फातिमा शनाज सिंह के लिए भी ये डिफिकल्ट था। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो खुद देख के कैसा लगा शूटिंग ऑन द शिप्स जरूर बताइएगा। और क्या लगता है ये प्रमोशन स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।